हाय, मैं हूँ शेफ एडी और आप मेरे साथ में मेरे किचन में यानी कि कुक स्टूडियो में। भाई, आज की जो रेसिपी है होली स्पेशल रेसिपी है और आज की रेसिपी मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ, एक गुजिया की बहुत बढ़िया सी रेसिपी। तो आप सोचेंगे कि यार हमेशा होली पे आता है और गुजिया की रेसिपी बनाता है और बना के दिखा देता है। तो भाई, आज की जो रेसिपी है स्पेशल है, क्योंकि आज जो मैं बना के दिखाने वाला हूँ वो है चोको चिप्स गुजिया की, एक बहुत मॉडर्न सी रेसिपी जो कि बनने वाली है टार्ट शेल के अंदर और जो कि फ्राई नहीं होगी, जो कि बेक होगी वो भी कढ़ाई के अंदर। तो चलिए बनाते हैं आज की इस मॉडर्न सी रेसिपी को। पैन को कर लेंगे गरम और उसमें डालेंगे देसी घी। ये देसी घी मैंने इसमें 30 ग्राम देसी घी लिया है। डाल देंगे सूजी। सूजी को हमने तब तक भूनना है जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। थोड़े डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। शुगर डाल देंगे, शुगर मैंने ये 50 ग्राम शुगर ली है। डाल देंगे खोया। खोया को हमने मेल्ट नहीं करना है, इसको खड़ा खड़ा ही मैश करना है, हल्का, बस ज़्यादा मैश ना हो जाए ये। तो ये भी अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें। खोए को मैंने बोला है इसको हमने बिल्कुल मैश नहीं करना है, पकाना नहीं है इसमें, खोए को हमने थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखना है। थोड़े डाल देंगे इसमें रेड करंट, ये अगर आपके पास में रेड करंट नहीं है किशमिश आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और इसको कर देंगे मिक्स अच्छे से। अब डाल देंगे इसमें चोको चिप्स। ये जब मिक्सचर हमारा ठंडा हो जाएगा तभी हमने इसमें ये चोको चिप्स डालने हैं, नहीं तो मेल्ट हो जाएंगे वो चोको चिप्स। और अब लगाएंगे डो। ये डाल दिया मैदा, नमक, कोकोआ पाउडर, थोड़ी सी ऐड कर देंगे शुगर। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा डालेंगे घी। घी डालने से थोड़ा सा हमारे जो उसका जो टेक्सचर है, जो इसको बेक करेंगे तो थोड़ा सा क्रिस्पीनेस जो आएगी इसी घी से आएगी। और इसको घी को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे हम। ये घी अच्छे से मिक्स हो गया और अब डालेंगे इसमें पानी। और हमने अब डो लगा लेना इसे। डो ज़्यादा ना टाइट हो ना ज़्यादा ही लूज़ हो, मीडियम हमें इसको रखना है। तो ये डो लग के तैयार हो गया और अब इससे बनाते हैं अपने टार्ट शेल। टार्ट बनाने के लिए अब डो को बेलेंगे और इसको इतना बेलना है कि ना ज़्यादा मोटा हो और ना ही बहुत ही पतला हो, मीडियम हमने इसकी थिकनेस को रखना है। और टार्ट शेल को कर दें ग्रीस, थोड़ा सा देसी घी से मैंने इसको ग्रीस किया है। और इसमें अब डाल देंगे ये डो शीट जो हमने बनाई है, इसको अच्छे से लगा देंगे इस बोल के अंदर अच्छे से। साइड को हम काट देंगे साइड से ताकि इसका जो शेप अच्छे से आ जाए। और अब इसके अंदर फिल कर देंगे हमने जो मिक्सचर बनाया था गुजिया का, वो मिक्सचर इसमें हम लोग अच्छे से फिल कर देंगे। ऊपर तक फिल करना है इसको।
थोड़ा सा ऊपर डालेंगे खोया, वो डाल देंगे चोको चिप्स। अब इसको हमने कढ़ाई में बेक करना था, तो कढ़ाई में डाल देंगे नमक। नमक डालने से क्या होता है कि टेम्परेचर अच्छा बनता है उसके अंदर, और हमारा जो ये जो हम बना रहे हैं, जो भी चीज़ हमें बनाते हैं, वो जलेगी नहीं नीचे से। और अब इसमें जो हमने मोल्ड सेट किए हैं वो इसमें रख देंगे, और गैस का जो फ्लेम रहेगा वो मीडियम रहेगा शुरू से लेकर आखिर तक, और इसको हमने कम से कम 20 से 25 मिनट तक पकाना है। शुरू के 15 मिनट हमने ढक के पकाना है, और उसके बाद इसको ढक्कन हटा के पकाना है 10 मिनट के लिए। तो ये हमारी रेडी हो गई है चोको चिप्स गुजिया टार्ट।